Just about a... यहाँ का प्रस्तुति, यहाँ के संचालन और खासकर हमारे मध्य में आदरणीय विक्रम जोशी जी और इस स्कूल के प्रधानाचार्य राजौरी के आए हुए शिक्षक कसौली से, नथुरा से, बंधु हम सब जानते हैं जिस प्रकार हमारे बच्चों ने ये प्रस्तुति दिखाई है, बच्चों का टैलेंट, केवल टैलेंट प्रस्तुत करना नहीं है, उसे इंप्लीमेंट करना, उसे क्रियान्वित करना और किस प्रकार पोलाइटली और सारी चीजें अपना जो विषय है, क्योंकि पार्लियामेंट में हमेशा कई बार मैं हमें क्षेत्र में घूमते हैं, लोग कहते हैं हमारी समस्या उठनी चाहिए, हमारे गांव का मसला उठना चाहिए और वहां पे देश की कौन कौन सी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और मैं प्रस्तुति दोनों देखी हैं और जिस प्रकार के उन्होंने सारे वहां पर रखा, मैं तो आज दंग रह गया कि हमारे प्यारे बच्चे इतना कुछ कर सकते हैं, बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और तो हम कहते भी हैं कि बच्चे देश का भविष्य है। अगर आज की प्रस्तुति देखने के उपरांत मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि अगर बच्चे इस प्रकार के टैलेंटेड हैं और हमारे देश का भविष्य है, तो देश कभी गिर भी नहीं रह सकता, देश कभी पीछे नहीं रह सकता, देश हमेशा तरक्की की ओर जाएगा। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर एक का अपना अपना रोल रहता है। केवल सत्ता पक्ष दी जाने वो मनमानी करेगा, इसलिए विपक्ष का होना भी उतना ही जरूरी है जितना सत्ता पक्ष का। और विपक्ष जन के कुछ मुद्दों को जो सत्ता पक्ष नहीं रख सकता वो अपने माध्यम से रखता है, इसलिए उसको रखते हुए हमारे मन में एक कंसेप्ट बैठ जाता है, कल्पना बैठती है। और जैसे बच्चों ने प्रस्तुति करने के उपरांत के लिए और हमारे शिक्षक महोदय जितने हो गए उन्होंने तैयारी करवाने का प्रयास किया होगा, तो बच्चे पढ़ते पढ़ते जाप तो कर रहे होंगे लेकिन उनके मन के अंदर भी आ रहा होगा शायद ऐसी बातें होती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के रूप के साथ किस प्रकार उतरा कचर में हो रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, कश्मीर की समस्या जिस प्रकार से है, केवल बोलने के लिए जहां जितने भी आए उनको ध्यान में आया होगा कि बच्चे भी इसमें अनभिज्ञ नहीं है, बच्चे भी इन समस्याओं के बारे में जान सकते हैं। इसलिए बच्चों में आप सबको आज के इस अवसर पर बधाई देता हूं और खासकर नवोदय विद्यालय का और इस प्रकार का कार्य करेंगे। केवल किताबों तक बच्चों को सीमित रखना, केवल परीक्षा पास करने, केवल बच्चों को कहा गया तुमने जब परीक्षा पास करने के उपरांत डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एम्प्लॉयमेंट ढूंढने है और उसके बाद अपना परिवार चलाना है, केवल इस तक सीमित रहकर देश आगे कभी नहीं बढ़ सकता। मैं इस देश का हूं, देश मेरा है और मेरा एक कर्तव्य बनता है कि देश के प्रति मैं कुछ ना कुछ करूं। विचार करेंगे, सोचेंगे कि इतना मैं अवश्य कह सकता कि अंतरात्मा से एक आवाज निकलती है कि मेरी ड्यूटी भी बनती है, मेरा फर्ज भी बनता है, मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं देश के लिए कुछ ना कुछ करूं। बहुत सारे बच्चों ने कुछ शायराना अंदाज में कुछ चीजें कही और किस प्रकार पीसफुली सारी चीजें, यानी कि दोनों अगर प्रश्नकाल जो थे
उनमें लगभग 16-17 प्रश्न देखे होंगे और बच्चों के दोनों ओर से प्रश्न करता और प्रश्न का और तैयारी करते करते हमेशा सोचता था शायद ये चीज हो सकती है। नीचे जाकर समाज के बीच इसे पहुंचाने का हम प्रयास करें। एक बात अवश्य है, योजनाएं केंद्र सरकार में बैठा कोई भी होगा, बहुत सारे बनती हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं। जैसे 70 साल हम आजादी के गुजार रहे हैं, 70 योजनाएं शुरू की हैं, इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री है उन्होंने योजनाएं बनाई होंगी, लेकिन योजनाओं पर नीचे क्रियान्वित करना, उसे इंप्लीमेंट करना किसका दायित्व है? केवल योजना पर पेपर मात्र तक रहेगी? एक बीच में प्रश्न भी आया था तो उन्होंने कहा था ये तो केवल पेपर तक की सीमित है, आगे उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं छोटी छोटी चीजें, उन सब चीजों को किस प्रकार से रखा जाए। और मैं अगर मोहल्ले में रहता हूं, गली में रहता हूं, चाहे मैं छोटा हूं, कई बार बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ये छोटा बच्चा मुझे सिखाने के लिए आए, लेकिन कई कई बार छोटे बच्चे भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आजादी के मतवाले देखें, कोई 18 साल का, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, कोई नहीं रहा हो जिन्होंने देश को बचाने के लिए शहादत दी होगी, अच्छा किया होगा। लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए जिन बच्चों का जिस प्रकार का योगदान था, और आज हम आजादी की जिनके सांस ले रहे हैं, आज हमारा देश आजाद है, ठीक है, कुछ पड़ोसी देश हैं जो हमें हमेशा तंग करते रहे हैं, सरकार में जब भी बैठते हैं उसमें सारी चीजें, कोई भी सरकार हो वो सारी चीजें उसका ठीक करने का प्रयास करती है, आने वाले दिनों में भी इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस प्रकार जोशी साहब बोल रहे थे तो मैंने कहा ये तो बच्चे अब हमें केयर करना पड़ेगा, तो बच्चों को मौका लंबा देना चाहिए। हमारी इनिंग तो पूरी हो चुकी है, हमने जितना खेलना था खेल लिया, और बच्चे अगर 15-20 साल के लिए अगर देश को आगे चलाएं तो मैं सोचता हूँ देश, कभी कहा करते थे देश सोने की चिड़िया है, दोबारा सोने की चिड़िया बन सकता। देश के हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर प्रकार की मानसिकता रहती है, हम सब जानते हैं, स्वभाव अलग अलग सब के रहते हैं, मेरे स्वभाव में क्या है, प्रिंसिपल साहब के स्वभाव में क्या होगा, बाकी के स्वभाव में क्या होगा, हम स्वभाव पर नहीं जाए, हम अपने कर्तव्य पर जाए, अपनी ड्यूटी को पहचानने की कोशिश करें, और ड्यूटी को अगर पहचानेंगे, कर्तव्य को पहचानेंगे, फल को पहचानेंगे, तो निश्चित तौर पर लगेगा इस देश के लिए मुझे भी कुछ करना है, मेरा भी मन करता है मैं कुछ ना कुछ करूं। और इस प्रकार पूरे विश्व जिनके अपने देश में नवोदय वगैरह कार्यकर्ता है, जिस प्रकार मुझे बता रहे थे, मेरा ध्यान में करे नहीं था, तो जिस दिन प्रिंसिपल क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जहां आने के बाद और दिमाग के कम से कम जो ताले लगे हुए थे वो खुले, कि हमारे बच्चे कुछ कर सकते हैं, कुछ करने का जुनून है। इसलिए यहाँ के अधिकारियों का, शिक्षकों का तो आभार व्यक्त करूंगा ही मैं, लेकिन सबसे पहले मैं बच्चों का आभार व्यक्त करूंगा, जो चीजें हमें देखने और सुनने को नहीं मिलती थी, मन में कहते हैं कैसे आगे देश बढ़ेगा, देश का भविष्य कैसे सुधरेगा, और आज मैं आश्वस्त होकर जा रहा हूँ कि बच्चे हमेशा इस देश को संभाल लेंगे। इतना ही मुझे कहना है।